तो आज का हमारा सफ़र जो है वो शिवखोड़ी का है। इस वक्त मैं हूँ गांव रंसू में, ये यहाँ का छोटा सा एक बाज़ार है। जम्मू से बात की जाए तो लगभग 120 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है यहाँ तक का। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे शिवखोड़ी की तरफ, पैदल यात्रा है, यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं और गाड़ियाँ जो है यहीं पर लगानी पड़ती है। इसके बाद आगे की जो शिवखोड़ी तक यात्रा है वो आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस की बात की जाए यहाँ से शिवखोड़ी जो श्राइन है वहाँ तक की, तो 5 से 5.5 किलोमीटर है। ये ट्रैक का पूरा जो एक नक्शा है बनाया गया है, किस तरह से ट्रैक आपको कवर करना है पूरा। ये बस स्टैंड, यहाँ आगे दर्शन ड्योड़ी, उसी के बाद आगे शनि मंदिर, जो जो रास्ते में अलग अलग मंदिर रास्ते में आते जाएंगे। ये राम मंदिर आ गया, लक्ष्मी टेम्पल, उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे। हालाँकि वहाँ पर हेलीपैड रोड भी है अलग से, और यहाँ पर पोनी स्टैंड है, गौरी भवन है, और यहाँ पर दो रास्ते आगे जाने के लिए, एक न्यू केव है, ओल्ड केव यानी कि पुरानी गुफा और नई गुफा का रास्ता है। जब काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है तो नई गुफा में लोगों को जाने के लिए भेजते हैं। तो आज देखते हैं, रश तो इतना है नहीं है। और खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ होटल मिल जाएंगे आपको खाने पीने के लिए, और रहने के लिए भी व्यवस्था है यहाँ पर, रहने के भी होटल आपको मिल जाएगा जो कोई ठहरना चाहता है, क्योंकि दूर है जम्मू से डिस्टेंसेस का। श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, क्योंकि ये जगह भी श्राइन बोर्ड के अंदर आती है, इसलिए जिस तरह से आप वैष्णो माता जाते हैं वहाँ पर भी एक पर्ची लेनी पड़ती है आपको यात्रा शुरू होने से पहले, और वैसे ही हमने भी ले लिया। कोई भी व्यक्ति आएगा, रजिस्ट्रेशन पर्ची यहाँ पर ज़रूर लेनी है। तो इसके साथ मैं बता दूँ, जैसे ही वैष्णो माता में यात्रा आप लेकर जाते हैं, अगर कोई चल नहीं सकता है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए यहाँ घोड़ों की व्यवस्था भी है। 500 रुपया लिया जाता है एक व्यक्ति से आने जाने का, यानी कि 250 रुपये आने का और 250 रुपये जाने का, ये व्यवस्था है। और ये है मेन जो द्वार है जहाँ से आपको आगे की यात्रा शुरू करनी है, शिवम द्वार। ट्रैक की शुरुआत हमारी हो चुकी है, और जो मेन द्वार है जिसे शिवम द्वार कहा जाता है, वहाँ से भवन तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर का है। और अभी देखा जाए तो दो ब्रिज जाते जाते हमारे रास्ते में अभी आ चुके हैं, ये दूसरा ब्रिज है। और नीचे मैं आपको बता दूं, जो ये पानी जा रहा है, हमने यहाँ स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसे दूध गंगा कहा जाता है। ये ऊपर जो भवन है वहीं से जो पानी है आता हुआ आगे की तरफ जाता है, और बीच में छोटे छोटे मंदिर भी हैं, दुकानें आपको रास्ते में मिल जाएंगी, और साथ में अगर टॉयलेट की बात करूं तो यहां पर आपको शौचालय भी मिल जाएगा। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, और इस आधे रास्ते हमने ये समझ लिया है कि इतनी थकावट अगर देखी जाए तो नहीं है। जिस तरह से हम वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ते हैं वो सीधे चढ़ाई होती है, वैसा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये श्राइन बोर्ड यानी कि श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। रास्ता आप देख लीजिए, और यहाँ देखिए पहाड़ियाँ, ये पूरा ट्रैक जो है इसी तरह से आपको खूबसूरत वादियों के बीच में ही दिखेगा। एक चीज़ हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ वो है साफ़ सफाई की बात। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं रुका था, लेकिन ये नीचे आपको दृश्य दिखाऊँ, ये देखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं गंदगी वो यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं। फेंसिंग है, और फेंसिंग के बाहर जितना भी ये नेचर है उसे ज़रूर गंदा किया जा रहा है, हर जगह पर देखा जा रहा है। ये देवस्थान शिवखोड़ी का, पूरे भारत से यहाँ यात्री आते हैं,
लेकिन यहाँ भी देखिए गंदगी का वही हाल है। और लोगों को शायद पता नहीं कब समझ आएगी, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, तो ये देवस्थान जो है इसे हम पूछते हैं और इन जगहों को भी साफ़ रखना चाहिए। तो शिवखोड़ी गुफा जो है उसके बिल्कुल पास तक हम पहुंच चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट है। और वो सामने अगर मैं दिखाऊं, वहीं से हमें गुफा की तरफ एंटर करना है। यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह या आपने कुछ सामान लगाया है, बैग वगैरह मोबाइल, वो सब यहीं पर रख के जाना है। क्लॉक रूम की सुविधा यहाँ पर है। एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर अंदर जो है मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है, किसी को भी उस चीज़ की परमिशन नहीं मिलती है। प्रसाद की बात कर दूँ, यहाँ पर आपको प्रसाद भी अंदर जो ले जाना है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा, रास्ते से भी मिल जाता है। तो चलिए अभी अंदर लेकर चलते हैं आपको। गुफा जो बनी हुई है भस्मासुर राक्षस के टाइम की है, जब भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने शंकर भगवान जी की घोर तपस्या करके भगवान से एक भस्मी कंकर वरदान प्राप्त कर लिया कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही प्राणी जलकर भस्म हो जाए। भगवान ने उसको वरदान दे दिया और नारद जी ने भड़काकर भगवान शिव के पीछे लगा दिया, क्योंकि वो नारद को भस्म करने लगा। तो नारद बोलता, नारायण मैं तो कि मुनि हूँ जो सदा सच बोलता हूँ, जो वही भस्मी कंकर आप जिसके सिर पर हाथ रखोगे वही प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा और मुझे भस्म करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भस्म करना तो भगवान शिव को ही भस्म कर, वो तीनों लोगों का मालिक है और 33 कोटि देवता उसकी आरती पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ को भस्म कर लो, माता पार्वती को आप पालो और आप 33 कोटि देवताओं के सम्राट बन जाओगे। उसने कहा ऐसे ही करेंगे। नारद जी अपनी जान बचाकर भाग गए, भस्मासुर को भगवान शिव के पीछे लगा दिया। तो शिव भगवान अपने भक्त को अपने हाथों से मारना नहीं चाहते थे, वो महापार्वती को लेकर भागने शुरू कर दिया। भागते भागते जब इस नगरी में पहुंचे तो शिव भगवान ने देखा कि भस्मासुर राक्षस मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान जी ने गुस्से में आकर त्रिशूल को हाथ से निकाला और त्रिशूल जब पहाड़ के साथ लगा तो पूरा पहाड़ काटकर इसने गुफा बना दी। फिर शिव और शक्ति सहित परिवार में गुफा के अंदर जाकर छुपकर बैठ गए। फिर विष्णु भगवान जी ने माता पार्वती का रूप धारण किया, भस्मासुर को यहाँ से मोहित किया, चेन्नई मद्रास में चले गए आकाश मार्ग से। वहाँ जाकर विष्णु भगवान जी ने नृत्य किया और भस्मासुर को कहते आप मेरी नकल करो, जिस मुद्रा में मैं नाचती हूँ उसी मुद्रा में आप भी नाचो। विष्णु जी उसको नचाते नचाते इतने मोहजाल में लाए उसको पता नहीं रहा मेरे हाथ में भस्मी कंकण है जाने, वही भस्मी कंकण वाला हाथ भगवान विष्णु जी ने जैसे अपने सिर पे हाथ रखा ऐसे भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया। तो उसी वरदान से जब विष्णु भगवान जी ने बोला भस्म तो भगवान भस्मासुर ने भी बोल दिया भस्म, उसी वरदान से वो खुद भस्म हो गए। फिर भगवान विष्णु जी 33 कोटि देवताओं को लेकर जहाँ आए, जहाँ 33 कोटि देवताओं को दर्शन है, चार धाम की यात्रा मानी जाती है जो कि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके इसी गुफा के अंदर प्राप्त किए थे। इसलिए जो भी भक्त शिवखोड़ी धाम के दर्शन करते हैं उन भक्तों की चारों धाम की यात्रा एक ही जगह पे पूर्ण होने तक आते हैं, लेकिन नाइट को कोई नहीं आता है। नाथ को कोई नहीं आता। जो पर्ची कटती है वो कितने बजे तक कटती है? पर्ची 8 बजे तक, लास्ट 8। हाँ जी, उसके बाद 10 बजे तक यहाँ होगा, तो 10 बजे के बाद वो चले जाते हैं। 10 आता ही नहीं, रहने का है, रहने का नीचे है सर, इधर रुकता कोई नहीं, जहाँ तो स्कूटी है बाकी नीचे कोई नहीं, इधर जहाँ कोई रुका स्टैंड बोर्ड का स्टाफ है स्कूटी रुकती है बाकी कोई रुकता। यहाँ पे गुफा कितनी लंबी होगी? देखो सर ये गुफा है जो 100 मीटर की गुफा है, इसमें झुककर आड़े होकर जाना पड़ता है। 50 मीटर का जो हाल है, 100 मीटर की गुफा है जिसमें झुककर खड़े होकर तिरछे होकर निकलना है, 350 फुट माना जाता है इसका जो लंबी है। गुफा जो है वो 100 मीटर लंबी है और दर्शन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं। अभी क्योंकि रश नहीं है, जब रश होता है तो जो नई गुफा बनाई गई है उसका रास्ता यहाँ से है, यहीं से जाते हैं गुफा की तरफ और यहीं से फिर वापस भेजा जाता है। ये जो सामने है यही मेन गुफा है जो पुरानी वाली गुफा है और यहाँ से जाने का आनंद ही कुछ और है। पहाड़ बिल्कुल अंदर से काटा हुआ है और जो यहाँ से तो आपको बड़ी पहाड़ी ऐसे गुफा सी लग रही है, लेकिन आगे अगर जाएंगे तो आपको यूँ तिरछा होकर गुफा में से निकलना पड़ता है, जिसे 100 मीटर कहा गया है कि 100 मीटर है। और अंदर अगर बात करें तो वहाँ से
एक रास्ता ये कहा जा रहा है कि अमरनाथ जो गुफा है वहाँ पर भी यहाँ से रास्ता एक टाइम पर जाता था, एक साधु थे उस समय में, वो गए थे, लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति और गया था जिसका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया, ना वो वापस आया, उसको कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद वो वाली गुफा जो है वो बंद कर दी गई। यहाँ पर लाखों के करीब जो है हर साल श्रद्धालु आते हैं और पूरे भारत वर्ष से आते हैं। जिस तरह से माँ वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ पर लोग जाते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जो है लोग आते हैं। तो यही है बाबा भोले शंकर का आशीर्वाद जो हमारे जम्मू वासियों पर और पूरे भारत वर्ष पर बना हुआ है। ज़रूर आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा इन पहाड़ियों को देख कर, रास्ते को देख कर और इस शिव गुफा के दर्शन करके। तो बताइएगा आज का हमारा ये सफ़र कैसा लगा, आगे कहीं और जरूर आपको लेकर चलेंगे। जय भम भम भोले, भम भम भोले, भम भम भोले, भम भम।